आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी इन्फेस्टो। ये कहानी कोविड टाइम की है, जिसमें एक साइको किलर को दो डिटेक्टिव द्वारा कैसे पकड़ा जाता है ये बताया गया है। मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं कि एक लड़की जो 3 महीने पहले मर चुकी थी, आज वो अचानक बुरी हालत में पुलिस को मिलती है। ये केस उन्हीं डिटेक्टिव को मिलता है, जिनमें से लेडी डिटेक्टिव का नाम कास्ट्रो होता है और मेल डिटेक्टिव का नाम सैम्यूल। वो दोनों लड़की को देखने हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर द्वारा इन्हें पता चलता है कि लड़की को काफ़ी दिनों तक रस्सी से बांध कर रखा गया था। और जांच के दौरान हम लड़की की गर्दन पर एक अजीब सा निशान देख पाते हैं। वहीं हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर इन्हें रेमस नामक एक पुलिस वाला मिलता है, जो इन्हें बताता है कि इस बच्ची के जिंदा होने की उम्मीद किसी को नहीं थी, सिवाय इसकी माँ को छोड़कर। इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों डिटेक्टिव अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह दोनों डिटेक्टिव विक्टिम की माँ के पास जाते हैं, जो ये जानकर रो पड़ती है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। फिर दोनों डिटेक्टिव उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं और ये केस ऑफिशियली तरीके से इन दोनों को मिल जाता है। लॉकडाउन की वजह से पूरा शहर बंद था। घर जाते ही कास्ट्रो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और दूसरी ओर सैमुअल अपने पेरेंट्स को देखता है। अगले दिन ये वहाँ जाते हैं जहाँ लड़की आखिरी बार देखी गई थी। वो तलाश शुरू करते हैं तो उन्हें एक लड़की गाड़ी में सोई हुई मिलती है। तभी बगल के खंडर में से एक लड़का निकलता है, जो इन दोनों डिटेक्टिव को देखकर तुरंत भागने लगता है। पर वो दोनों डिटेक्टिव किसी तरह उसे पकड़ लेते हैं और पूछताछ में पता चलता है कि ये लड़का तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ ड्रग्स लेने यहाँ आया था, इसलिए वो भाग रहा था। कास्ट्रो को हॉस्पिटल से फोन आता है कि साइया का होश आ गया है। साइया वही लड़की है जिनका केस ये दोनों डिटेक्टिव संभाल रहे हैं। साइया का देखने के लिए दोनों डिटेक्टिव हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि वो उससे पूछताछ करना चाहते थे, पर डॉक्टर उन्हें साफ साफ मना कर देती है क्योंकि साइया अभी बात करने की हालत में नहीं थी। फिर इनका शक लड़की के दूसरे पिता पर जाता है, जो साइया के स्टेप डैड थे। उनसे पूछताछ में उन्हें कुछ पता नहीं चलता, बल्कि वो तो ये कहता है कि उसे उस लड़की से कोई मतलब नहीं था। कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिलने पर दोनों डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि एक वर्कर उन्हें घूर रहा था। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दोनों डिटेक्टिव अपने ऑफिस में हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सैम्यूल एक ऐसा ऑफिसर है जो कई बार रूल तोड़ चुका है और वो अपने तरीकों से काम करना पसंद करता है। सैम्यूल कास्ट्रो को बताता है कि जहां साइया को आखिरी बार देखा गया था, उसी एरिया में से एक लेडी ने रेप अटेम्प्ट के खिलाफ एक आदमी की रिपोर्ट की थी। फिर क्या था, ये दोनों उससे पूछताछ करने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचते ही इन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक अस्तबल में रहता है, जिसके गेट पर एक कुत्ता बंधा हुआ था, जो इन्हें देखते ही भौंकने लगता है। पर लेडी डिटेक्टिव उसे डांटकर शांत कर देती है। डिटेक्टिव सैमुअल अस्तबल का गेट तोड़ देता है और फिर दोनों डिटेक्टिव उस जगह की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। अचानक तभी उस अस्तबल का मालिक वहां आ जाता है, जिसके हाथ में राइफल होती है। ये देख दोनों डिटेक्टिव अपना पुलिस बैच दिखाते हैं और उससे उसकी गन ले लेते हैं। वो उससे घर का ताला खोलने को कहते हैं और उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी के दौरान ही वो बताता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। फिर वो दोनों डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगते हैं। इसी दौरान कास्ट्रो को डॉक्टर का फोन आता है, जो कास्ट्रो को बताती है कि टेस्ट के रिपोर्ट आ गए हैं। फिर कास्ट्रो अपने आईपैड पर टेस्ट रिपोर्ट पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था साइया के पांव पर एक डॉगी के काटने का निशान है और उसके नाखूनों में जो रेत के कण मिले हैं, उसमें एथेनॉल और टार्ट्रिक एसिड के ट्रेसेस मिले हैं। ये सुनकर सैमुअल गाड़ी रोक लेता है और कहता है कि ये दोनों केमिकल वाइन में होते हैं और जिस अस्तबल से वो आ रहे थे, वो अस्तबल पूरा वाइन से भरा हुआ था। तो तुरंत ही वो दोनों वापस जाते हैं और वहाँ पहुँच अस्तबल की बुरी हालत देख वो समझ जाते हैं कि वो आदमी भाग चुका है और उसने अपने डॉगी को भी शूट कर दिया था, क्योंकि इसने अपने डॉग को मारा है। इसलिए पूरी मूवी में ऑफिसर्स उसे डॉग किलर नाम से बुलाते हैं, इसलिए हम भी उसे यही बुलाएंगे। उस घर की फिर से अच्छी तलाशी लेने पर उन्हें एक बेसमेंट मिलता है, जिसे देखकर लग रहा था कि क्रिमिनल जादू टोने में काफ़ी यकीन करते हैं। जैसे ही वो बेसमेंट से बाहर आते हैं तो उन्हें पुलिस का फोन आता है। ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि वो डॉग किलर नाकाबंदी को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो नाकामयाब रहा।
भागने के चक्कर में उसने गाड़ी खाई में गिरा दी। ये जानने के बाद दोनों ऑफिसर वारदात की जगह पर निकल जाते। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं तो डॉग किलर गन फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके डिफेंस में पुलिस भी गन फायरिंग करती है। डॉग किलर के पास लास्ट में एक ही बुलेट बचती है, जिससे वो खुद को ही शूट कर लेता है। सीन बदलता है और हम देख पाते हैं कि दोनों डिटेक्टिव फिर से डॉग किलर के घर में तलाशी कर रहे हैं, और तलाशी में पता चलता है कि वो आदमी अकेला नहीं था बल्कि उसका कोई साथी भी था। के बाद दोनों डिटेक्टिव डॉग किलर के भाई के पास जाते हैं, जो कि एक फार्मर था, जो उन्हें बताता है कि वो अपने भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और वो उन्हें ये भी बताता है कि जब उसका भाई शिकार करने जाता था तब वो अकेला नहीं जाता था, वो एक डीमन नाम के बंदे को अपने साथ ले जाता था, जो कि प्रेजेंट में एक ट्रक ड्राइवर है। वो उन्हें डीमन की लोकेशन देता है, जिसके बाद दोनों डिटेक्टिव उस लोकेशन पर जाते हैं। लोकेशन पर पहुंचते ही उन्हें डीमन की वैन मिलती है, जिसके गेट पर अजीब सी रिचुअल करने वाली डॉल टंगी थी। काफ़ी बार नॉक करने के बाद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, इसलिए डिटेक्टिव सैमुअल वैन की टूटी हुई खिड़की से वैन के अंदर झाँक कर देखता है, तो उसे एक गैस सिलेंडर से जुड़ा हुआ टाइम बॉम्ब दिखता है, जो कास्ट्रो के दरवाज़ा खोलने की वजह से एक्टिवेट हो गया था। सैमुअल तेज़ी से चिल्लाता है और दोनों वैन से दूर भाग जाते हैं। लकीली वो दोनों बॉम्ब की चपेट में नहीं आते और बच जाते हैं। वहाँ पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है, वहीं कमिश्नर भी होते हैं, जो पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि लोगों को इस मामले से दूर रखें, क्योंकि कमिश्नर नहीं चाहते थे इस केस के बारे में मीडिया को पता लगे। वैन के अंदर सर्च करने पर कास्ट्रो को कुछ बच्चों की फ़ोटो मिलती है, जिसमें तीन लड़कियां थीं और दो लड़के। डिटेक्टिव्स को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि इन मर्डर्स में लड़के भी शामिल हैं। कमिश्नर उन्हें आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि दोनों डिटेक्टिव लगभग 48 घंटों से सोए नहीं थे। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सैमुअल अपने घर में है और दूसरी ओर कास्ट्रो के बॉयफ्रेंड को सांस की दिक्कत की वजह से क्वारंटाइन किया जा रहा था। कास्ट्रो के लाख कहने पर भी डॉक्टर उसे उसके बॉयफ्रेंड से नहीं मिलने देते। एक दिन दोनों डिटेक्टिव अपने ऑफिस जाते हैं, जहां इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट खुद कमिश्नर उन्हें बताते हैं। रिजल्ट में पता चलता है कि चारों बच्चे पहले ही गायब हो चुके थे, और जो पांचवी गायब होने वाली थी वो सायुया थी, जो किसी तरह से बच गई थी। कमिश्नर उन्हें बताते हैं कि इस केस में मंत्र मंत्र भी शामिल है, क्योंकि एक विक्टिम की गर्दन पर रिचुअल का निशान मिला है। तभी एक फीमेल ऑफिसर वहां आती है और बताती है कि डॉग किलर का भाई, जिसका नाम डीमन है, उसका ट्रक मिल चुका है। ये सुनते ही दोनों डिटेक्टिव ट्रक की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें ट्रक में एक सीक्रेट छुपी हुई जगह मिलती है, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि किसी को वहां ज़बरदस्ती बांधा गया था। वहां कुछ न मिलने पर दोनों डिटेक्टिव वहां से सीधे डीमन के भाई की लोकेशन पर जाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि साइयुआ के स्टेप डैडी थे। वो पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन थोड़ा धमकाने पर बताता है कि डीमन आश्रम में रहता था, जो पासी के गोयरगो नाम के झरने के जंगलों के बीच में बना है। वो दोनों उस खंडर आश्रम पर पहुंचते हैं। ये दोनों पुलिस फोर्स के साथ जैसे ही आश्रम की ओर बढ़ते हैं कि अचानक आश्रम के अंदर से गन फायर होने लगती है। जवाबी हमले में पुलिस भी फायर करने लगती है। बुलेट खत्म होने की वजह से डीमन सरेंडर कर देता है। पुलिस उसे वहां से कस्टडी में ले जाती है। डिटेक्टिव सैमुअल आश्रम की हालत देख समझ जाते हैं कि यहां काफ़ी मर्डर्स हुए हैं। सीन बदलता है और हम देख पाते हैं कि डिटेक्टिव सैमुअल डीमन से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में पता चलता है कि मर्डर्स टेरानिस नामक डेविल गॉड को मानते हैं, और डेविल गॉड को खुश करने के लिए ही इन्होंने इतनी सारी किडनैपिंग्स की और उन मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा। डेविल का मानना है कि ये कोरोना वायरस दुनिया खत्म होने का एक इशारा है, और अब सिर्फ डेविल गॉड ही उन सबको बचा सकते हैं। डेविल ये भी बताता है कि ये सब प्लान उनके प्रॉफेट का था, जो उनका लीडर है। प्रॉफेट के बारे में और कुछ जानने के लिए डिटेक्टिव्स हॉस्पिटल जाते हैं और साइयुआ को मर्डर्स का स्केच दिखाते हैं, ताकि वो उन्हें कुछ बता सके। पर डॉक्टर डिटेक्टिव सैमुअल को साफ साफ मना कर देती हैं, लेकिन काफ़ी कहने पर साइया की मॉम मदद करने के लिए मान जाती हैं। साइया की मॉम अपनी बेटी को मर्डर्स के स्केच दिखाती है और पूछती है कि क्या यही वो कातिल हैं, तो साइया गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती है। वो ये भी कंफर्म करती है कि वो लोग टोटल तीन थे, मतलब उनका लीडर अभी भी पुलिस के हाथ में नहीं लगा था। डिटेक्टिव के जाते ही हम देख पाते हैं कि कोई उन पर नज़र रख रहा है,
सीन ऑफिस में आता है और एक लेडी ऑफिसर अच्छे से मामला बताती है। वो बताती है कि मर्डर्स जिन तरानिस नामक डीमन गॉड की पूजा करते हैं वो दरअसल तूफानों और हवाओं का देवता है जिसे एंशिएंट टाइम में लोग खुश करने के लिए बलि चढ़ाते थे। ये सेक्रीफाइसेस हर मौसम बदलने पर होते थे, यानी हर 3 महीने में एक मौत। बारिश होने लगती है मतलब रेनी सीजन शुरू होने वाला था, यानी एक और कत्ल होने की संभावना है। सीन बदलता है और हम देख पाते हैं कि एक लड़की जो हॉस्पिटल से अपने घर जा रही है वो अपनी कार में चाबी लगाती है, तभी चाबी गिर जाती है। जब वो चाबी उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी हम कार की विंडो पर किसी का साया देख पाते हैं, यानी उस मर्डरर का नेक्स्ट सेक्रीफाइस ये लड़की होगी। ऑफिस में सैमुअल कास्ट्रो को मर्डर्स के सामान में से निकली एक फोटो दिखाता है जिससे कन्फर्म होता था कि डीमन और डॉग किलर अच्छे दोस्त थे। उसके बाद कास्ट्रो अपने लिए कॉफ़ी लेने चली जाती है, तभी कास्ट्रो की नज़र ऑफिस की विंडो से एक पर्सन पर जाती है जो सड़क पर खड़ा होकर ऑफिस को घूर रहा था। उसे देखकर कास्ट्रो को उस पर शक होता है और उसे पकड़ने के लिए वो नीचे रोड पर आ जाती है। कास्ट्रो को पता चलता है कि वो एक लड़की है जो यहाँ यूं ही घूम रही थी। कास्ट्रो उससे उसके घर जाने को कहती है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि सैमुअल कास्ट्रो को एक चिट्ठी देकर कहीं चला गया है। दरअसल सैमुअल की माँ की कोविड के कारण डेथ हो गई थी, जिन्हें देखने ही वो ऑफिस से निकला था। तभी सैमुअल को क्राइम सीन पर आने का बुलावा आता है और सैमुअल अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी ड्यूटी करने के लिए क्राइम सीन पर पहुँचता है। वहीं कास्ट्रो सैमुअल का दुख बांटने के लिए उसे फौरन गले लगा लेती है। दरअसल पुलिस यहाँ पिछली रात वाली किडनैपिंग की वजह से आई थी। जो लड़की किडनैप हुई थी वो एक नर्स थी जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी। इसके साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ से सेम वैसी ही रस्सी मिली है जैसी डीमन के ट्रक में मिली थी। मर्डरर्स के लीडर प्रॉफिट के बारे में और जानने के लिए सैमुअल डीमन को उसी के अनाथाश्रम में ले जाता है जहाँ उसे अरेस्ट किया था। वहाँ वो डीमन को बहुत मारता है लेकिन डीमन फिर भी उसे कुछ नहीं बताता। कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से सैमुअल उसके पाँव पर शूट कर देता है। तभी वहाँ कमिश्नर आ जाते हैं जो सैमुअल को रोकते हैं और उसे डिटेक्टिव की नौकरी से सस्पेंड कर देते हैं। रात हो जाती है और हम देख पाते हैं कि डॉक्टर साइया की मॉम से मदद मांग रही है। वो साइया की मॉम से साइया से फिर से पूछताछ करने को कहती है पर साइया की माँ उससे साफ साफ मना कर देती है। अगले सीन में सैमुअल ऑफिस में दिखाया जाता है जो अपना सामान पैक कर रहा था। वो जाने से पहले एक बार फिर से केस को देखने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वो फिर से कस्टडी में रखी हुई अनाथ आश्रम की फ़ोटोज़ को देखने लगता है जिसमें उसको एक आदमी दिखता है जिसने सेम डिज़ाइन का लॉकेट पहना हुआ था जैसा कि साइया की गर्दन पर बना था। वहीं दूसरी ओर कास्ट्रो अपने बॉयफ्रेंड को देखने हॉस्पिटल गई थी पर डॉक्टर उसे पेशेंट से मिलने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कास्ट्रो का बॉयफ्रेंड कोरोना पॉजिटिव है। वही सैमुअल नाकाबंदी पर लगी पुलिस से फ़ोटो के बारे में पूछने लगता है। ऑफिसर रेम्यूस उन्हें बताता है कि फ़ोटो में खड़ा हुआ ये शख्स प्रॉफिट के नाम से जाना जाता था और उसके पिता का घर इन्फियस्टो के बगल में ही है। सैमुअल वहाँ जाने लगता है पर ऑफिसर रेम्यूस कहता है कि वो उस जगह से अच्छे से वाकिफ है और वो उन्हें वहीं छोड़ देगा। दूसरी ओर डॉक्टर कास्ट्रो को ज़रूरी बात बताती है। वो कहती है कि इस हॉस्पिटल में एक मरीज की चेस्ट पर ठीक वैसा ही निशान है जैसा कि साइया की गर्दन पर था और उस मरीज का नाम लिया बैगा है। मैं आपको याद दिला दूँ, ये वही लड़की है जिसे कास्ट्रो ने सड़क पर पकड़ा था। सैमुअल भी ऑफिसर रेमुस के साथ प्रॉफिट के फादर के घर पहुंच गया था जहां उन्हें घर के बाहर ही उस लड़की की गाड़ी मिलती है जो पिछले रात ही गुम हो गई थी। एक तरफ वो मिस्टीरियस गर्ल कास्ट्रो को ये बता रही थी कि वो एक कल्ट का हिस्सा रह चुकी है जो इन मर्डरर्स का ही कल्ट था और जिसमें लीडर का नाम प्रॉफिट था। वहीं दूसरी ओर सैमुअल घर की तलाशी में लगा था। जब वो घर के टॉप फ्लोर पर जाकर देखता है तो वो देखता है कि प्रॉफिट के फादर काफ़ी सालों पहले मर चुके हैं और अब केवल उनका कंकाल ही बचा है। हॉस्पिटल में वो मिस्टीरियस गर्ल एक रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा करती है। वो बताती है कि प्रॉफिट दरअसल कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर रेमोस ही है।
ये बात जानकर कास्ट्रो तुरंत डिटेक्टिव सैमुअल को फ़ोन करती है। सैमुअल फ़ोन पर केवल यही सुन पाता है कि रैमोस ही प्रॉफिट है, कि इतने में रैमोस कास्ट्रो पर पीछे से कई गोलियां बरसा देता है और आखिर में वो साइको सैमुअल के हेड पर गोली मारता है, जिससे सैमुअल की डेथ हो जाती है। कास्ट्रो पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँचती है और वो वहाँ जाकर देखती है कि उसका पार्टनर सैमुअल गाड़ी के बगल में पड़ा है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी कास्ट्रो को एक अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है। ऑफिसर्स उसे बताती हैं कि ये आवाज़ जहाँ से आ रही है वहाँ माइंस हैं, और ये अलार्म तब सुनाई देती है जब कोई लिफ्ट यूज़ करता है। अगले दिन कास्ट्रो पुलिस के साथ उस जगह की तलाशी लेती है जहाँ वो लिफ्ट के जरिए माइंस में एंटर करती है। माइंस में एंटर करते ही उसे एक लड़की की आवाज़ आती है। उस लड़की की आवाज़ साफ साफ नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो उसके मुंह पर कुछ बंधा हो। कास्ट्रो आवाज़ की ओर जाने लगती है, पर तभी अपोजिट साइड से गोलियां चलने लगती हैं। कास्ट्रो भी डिफेंस में गोलियां चलाती है। कुछ देर के बाद गोलियां बंद हो जाती हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर कास्ट्रो आगे बढ़ने लगती है। आवाज़ का पीछा करकर कास्ट्रो लड़की तक पहुँच जाती है। दरअसल रैमोस इस लड़की को अपने रिचुअल में सेक्रीफाइस करने के लिए लाया था। वो लड़की कास्ट्रो को इशारा करती है, पर कास्ट्रो इशारा समझने में थोड़ी देर कर देती है और रैमोस उसे शूट कर देता है। वो पूरी तरह एक ब्लैक मैजिक करने वाले के वेश में था। रैमोस उसे मानने ही वाला था कि इतने में लिफ्ट की बेल बज जाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर कास्ट्रो उसे शूट कर देती है। काफ़ी जख्मी होने के बाद भी रैमोस कास्ट्रो पर गन फायर करने वाला था कि तभी कास्ट्रो दो गोलियां और फायर कर उसे मार देती है। उसके बाद उस लड़की को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं कि कास्ट्रो हॉस्पिटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, जो उसके कंधे पर अपना सर रख चैन की सांस लेती है। फिर कास्ट्रो विंडो से बाहर देखने लगती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि दुनिया तबाह होने वाली है, जिस पर कास्ट्रो कहती है कि शायद तुम सही हो। ठीक यही जवाब उसका पार्टनर सैमुअल दिया करता था। और इसके साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।